हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे उपसंयोजन युग्मकों का सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर क्या है, पहले हम लोग उपसंयोजन युग्मकों के बारे में जाना था, क्या होते हैं उपसंयोजन युग्मक। इसमें पढ़े थे जो उपसंयोजन युग्मक हैं इनको क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है। तो क्या है, संकुल आयनों की प्रकृति के आधार पर उपसंयोजन युग्मकों का वर्गीकरण। इनकी जो प्रकृति होती है, यानी क्या है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, थोड़ा न्यूट्रल है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन है, तो उस आधार पे हम क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। तो प्रकृति के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, लिख सकते हैं, या प्रकृति के आधार पर ये मुख्यतः होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा उदासीन। तो एक क्या होते हैं, धनायन, धन संकुल आयन युक्त यौगिक, दूसरे होते हैं ऋण संकुल आयन युक्त यौगिक, तीसरे होते हैं उदासीन संकुल यौगिक। तो धनात्मक में क्या होता है, इसमें संकुल आयन क्या होता है, धनात्मक होता है, इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसमें क्या होता था, उदासीन होता। तो हम देखते हैं, तो नंबर एक क्या है, धन संकुल आयन युक्त यौगिक। तो इन संकुल युग्मकों में संकुल आयन क्या होता है, धनात्मक होता है, इसमें संकुल आयन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल लिखें जिसके क्या है सेकेंड, जो क्या है सेकेंडरी बैलेंस पे क्या आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए। तो ये क्या है, मान लिया हम कोई ले लें CU, यानी थ्री फोर, और क्या है SO फोर। जैसे मान लिया कोई ले ले, इसको क्या है, मान लिया हम क्या है डिले कर दिए, ब्लैक में डाले या जल में ही, सही जल में डाल दिए। तो क्या है, ये जब आयनित होता है, यानी थ्री के क्या है फोर, ISO 4 पे हम जानते हैं दो माइनस होते हैं, तो इस पे कितना आएगा, दो प्लस, यानी किसी यौगिक की आक्सीकरण संख्या शून्य होती, तो दो प्लस दो माइनस बराबर कुल क्या आवेश कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। कोई भी ले सकते हैं जिसमें क्या है, जैसे इसके अलावा क्या लगते हैं CR, ये जो टू ओ मान लिया फाइव ले लें, और क्या कर ले लें CL ले लें, तो इसमें क्या है CL माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कोई भी उपसंयोजन यौगिक ले जिसमें सेकेंडरी बैलेंस इधर हो, तो इसमें क्या है, जो क्या है बड़े ब्रैकेट के अंदर, यानी उपसंयोजन यौगिक वाला भाग क्या होता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है, यानी ये जो भाग है ये पॉजिटिव प्राप्त हो, तो उसको क्या कहते हैं, धन संकुल आयन युक्त यौगिक। तो इन संकुल युग्मकों में संकुल आयन धनायन होता है। तो कोई भी एग्जाम्पल ए टू जेड हम ले लें, तो उसमें क्या है, ये पॉजिटिव प्राप्त हो। दूसरा जेड संकुल आयन युक्त यौगिक, तो इन संकुल युग्मकों में संकुल आयन क्या है, धनायन के बजाय ऋणात्मक होता है। जैसे मान लिया कोई ले K4 FeCN6, K2 NiCN4, यानी क्या है पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, कोई भी ले ले, तो इसमें क्या है, इसको हम क्या है, मान लिया इसमें ब्लैक में किसी घोलोगे, तो क्या है इसमें क्या है, बैलेंस सेकेंडरी क्या है डिब्बे के अंदर वाला एक में रहता है, दूसरा अलग रहता है, तो क्या है 2K+, यह होगा। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या है, संकुल आयन पर क्या होगा, संकुल आयन पर क्या होगा, निगेटिव आवेश होगा, NiCN4। अब जितने इस पे प्लस है, इस पे दो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, दो माइनस, यानी दो करना दो प्लस और दो माइनस बराबर क्या है, जीरो, इसमें दो प्लस दो माइनस। तो क्या है, कोई ऐसा यौगिक लें जिसमें क्या है, इधर K4FeCN6 ले सकते हैं, K4NiH2O6 ले सकते हैं, कुछ भी लें, तो जिसमें क्या है, जो कोई मेटल क्या हो, जो संकुल यौगिक के पहले उपस्थित हो, सेकेंडरी बैलेंस से पहले उपस्थित हो, तो ऐसे संकुल यौगिक क्या होते हैं, सब ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि मेटल क्या है पॉजिटिव चार्ज आता है, इसपे निगेटिव, और इसमें क्या था, जो क्या है नॉन मेटल होते हैं, तो ये सो फोर माइनस, तो इस पे प्लस आता है। तो इसमें क्या है, जो संकुल क्या है, संकुल यौगिक में संकुल आयन पर कौन आवेश आ रहा, ऋणात्मक, तो ऋण संकुल यौगिक कहलाते हैं। उदासीन संकुल यौगिक, ये संकुल यौगिक विलयन में आयनित नहीं होते हैं, ऐसे संकुल यौगिक जो विलयन में आयनित नहीं होते हैं। तो इसमें जैसे मान लिया कोई भी ले ले, जैसे PT, जैसे 3K2 CL2, तो इसमें क्या है, कोई सेकेंडरी बैलेंस ही ना इधर है ना इधर है, सेकेंडरी संयुक्ता इधर भी नहीं इधर भी नहीं, तो ये जलमेट जो डालोगे तो ऐसे ही रहेंगे, जैसे इधर
वैसे बराबर में इधर CrH2O3Cl3, ये भी क्या है, इसमें कोई सेकेंडरी संयुक्ता नहीं है, तो क्या है जो इसको मान लिया, इसको ऐसे कर दें तो इधर भी जल में घोलोगे तो तभी क्या होगा, ये CO3 और Cl3, यानी ये आयनित नहीं होंगे, जैसे के तैसे रहेंगे। तो क्या है, इस प्रकार के संकुल यौगिक को क्या कहते हैं, उदासीन संकुल यौगिक। तो संकुल यौगिकों के प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक संकुल यौगिक, ऋणात्मक और उदासीन। तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो धनात्मक, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है ऋणात्मक, और जिसपे कोई चार्ज नहीं आता है वो उदासीन होते हैं, ये आयनित ही नहीं होते। अब हम लोग पढ़ेंगे उपसंयोजन यौगिकों में प्रयुक्त होने वाले शब्द व उनकी परिभाषाएं। तो उपसंयोजन यौगिकों में कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या है। तो जनरल में पहले आता है उपसंयोजन मंडल, उपसंयोजन मंडल। तो उपसंयोजन यौगिक में जो लिगेंड, केंद्रीय धातु आयन व उससे जुड़े लिगेंड जो बड़े कोष्ठक के अंदर होते हैं, उपसंयोजन मंडल कहलाते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये ले लो K4 6 ले लो, तो इसमें क्या है, के तो आयनित होता है, जमा लिया 4K+ आ गया, और इस पे क्या गया, चलो यही ये बड़े कोष्ठक, तो इसमें क्या होता है, ये होते हैं लिगेंड, ये क्या है लिगेंड है, और ये क्या है मेटल धातु या धातु आयन है। तो इसमें क्या है, ये तो बड़े कोष्ठक के बाहर है, तो उपसंयोजन संख्या के क्या है, क्षेत्र के बाहर है। अब क्या है, तो क्या है यफे, ये किससे जुड़ा है, इस सीएन से, 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 तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है लिगेंड है, ये क्या है लिगेंड है, और ये क्या है ये क्या है धातु प्रमाण या आयन है, प्रमाण या आयन है। तो ये क्या होते हैं सेकेंडरी संयुक्त, तो मान लिया हम इसके बजाय कोई दूसरा उदाहरण ले, मान लिया क्या है FeH2OK6SO4, तो SO4 क्या है सेकेंडरी संयुक्त है, तो आयनित होगी, तो मान लिया हम क्या कर दें, SO4 क्या हो गया माइनस माइनस, और क्या है FeH से H2O किधर से लगा है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, 6 लिगेंड लगा दें। कोई भी, तो इस पे क्या है, इस पे 2 माइनस है, तो इस पे क्या होगा 2+ होगा। तो क्या है इनकी, ये क्या है उपसंयोजन मंडल, तो ये लिगेंड कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, तो उपसंयोजन मंडल क्या किसे कहते हैं, उपसंयोजन मंडल किसे कहते हैं। तो क्या है उपसंयोजन यौगिकों में लिगेंड व लिगेंड व धातु जो बड़े कोष्ठक के अंदर होते हैं क्या कहलाते हैं, उपसंयोजन मंडल कहलाते हैं। तो क्या है उपसंयोजन यौगिक में, क्या है परिभाषा हो जाएगी, उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु हो चाहे क्या है आयन हो, केंद्रित उपसंयोजन युग में केंद्रित धातु परमाणु या क्या है आयन व उससे जुड़े लिगेंड, व उससे जुड़े क्या है लिगेंड जो क्या है बड़े कोष्ठक के अंदर होते, बड़े कोष्ठक के क्या होते हैं अंदर होते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर होते हैं क्या कहलाते हैं उपसंयोजन मंडल बनाते हैं, उपसंयोजन क्या बनाते हैं मंडल बनाते हैं। उपसंयोजन क्या बनाते हैं मंडल बनाते हैं। अब जैसे कोई एग्जांपल हम ले लें, जैसे जैसे मान लिया क्या ले लें K4FeCN6, तो क्या है ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये क्या है धातु, ये दोनों जो बड़े कोष्ठक के अंदर है ये क्या है
उपसंयोजन मंडल है और पोटेशियम क्या है उपसंयोजन मंडल के बाहर है। कोई एग्जांपल ले लें, यह क्या ले लें Al H2O6Cl2, तो इसमें उपसंयोजन मंडल के अंदर कौन है H2O लिगेंड और एल्युमिनियम धातु। NiCO4 ले लें, टेट्राकार्बोनिल निकिल, तो इसमें क्या है बड़े ब्रैकेट के अंदर बाहर कुछ नहीं है, बड़े ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो क्या है इसमें ये क्या है, ये लिगेंड है, ये धातु है, तो उपसंयोजन मंडल पूरा ये है। तो क्या है कोई, तो उपसंयोजन मंडल किसे कहते हैं, उपसंयोजन युग्मकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन ये व उससे जुड़े लिगेंड जो बड़े कोष्ठक के अंदर होते हैं उपसंयोजन मंडल बनाते हैं या उपसंयोजन मंडल कहलाता। तो क्या है जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइट में जो क्या है फेरोसाइनाइट आयन क्या है उपसंयोजन मंडल के अंदर है तथा पोटेशियम क्या है उपसंयोजन मंडल के बाहर होता, क्योंकि यह द्वितीय संयोजकता होती है, हम लोग अभी पढ़े थे K4 FeCl6 और क्या है FeCn6 इसे आयनित होता, तो इसमें उपसंयोजन मंडल क्या है यह है। तो क्या हम लिखेंगे जैसे K4 FeCn6 में FeCn6 बड़े कोष्ठक के अंदर है जो क्या है उपसंयोजन मंडल कहलाता है, समझ गए। अब दूसरा था केंद्रीय धातु और क्या है लिगेंड, अभी बताए थे ये लिगेंड है धातु है, तो कोई उदाहरण मान लिया हम टेट्राकार्बोनिल निकिल है ले लें NiCO4, ये थोड़ा सरल रहेगा, ये भी ले सकते हैं, तो टेट्राकार्बोनिल निकिल है तो इसको हम क्या करें टेट्राकार्बोनिल, तो क्या है चार कार्बोनिल लगाने, एक CO दूसरा CO तीसरा CO और चौथा CO, ये उपसंयोजन बंध ये क्या है, ये क्या है पहले परिभाषा क्या, केंद्रीय धातु आयन, तो केंद्रीय धातु क्या है टेट्राकार्बोनिल निकिल में, जैसे हम देखते हैं किसमें है टेट्राकार्बोनिल निकिल, उदाहरण हम क्या लिए टेट्राकार्बोनिल निकिल, ये है इधर NiCO4 के क्या है इसका नाम है टेट्राकार्बोनिल निकिल, सुन तो इसमें क्या है इसमें ना कोई ये उदासीन है ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, तो क्या है अब ये क्या है लिगेंड है, इसमें क्या है CO लिगेंड है या नहीं है, तो अब लिगेंड की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, देखो इसको देख कर देते हैं, तो ये क्या है पहले क्या है केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन या इसको पूरा लिख सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु भी हो सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु हो सकता है आयन, परमाणु अब्लिक आयन, चाहे परमाणु हो चाहे आयन हो, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसको देख रहे हैं फिगर देख रहे हैं कोई भी एग्जांपल ले, तो इसमें क्या है उपसंयोजन योगी पढ़े थे हम लोग कि जिसमें क्या है धातु क्या है अन्य परमाणु या समूहों से उपसंयोजी बंध द्वारा बंधे रहते हैं उपसंयोजन योगी कहलाते हैं, तो ये क्या है लिगेंड, तो इसमें क्या परिभाषा हम धातु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के क्या लिख सकते हैं उपसंयोजन योगिक में जो धातु लिगेंडों के साथ, जो धातु कैसे के साथ ये लिगेंड जो लिगेंडों के साथ उपसंयोजी बंध द्वारा बंधी होती है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाते हैं। उपसंयोजन योगिक में वे परमाणु या आयन जो लिगेंडों द्वारा उपसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं क्या कहलाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाते हैं। पूरा देखते हैं उपसंयोजन योगिक में जो परमाणु या आयन लिगेंडों द्वारा उपसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं क्या कहलाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाते हैं। अब जैसे देखो उदाहरण, जैसे NiCO4 टेट्राकार्बोनिल निकिल में, जैसे टेट्राकार्बोनिल इसमें क्या है जैसे टेट्राकार्बोनिल निकिल में
एन आई जो निकेल है, निकेल चार कार्बोनिल यानी चार सीओ लिगेंड द्वारा क्या होता है, चार सीओ लिगेंड द्वारा बंधा होता है, अतः यह केंद्रीय धातु परमाणु है। तो एग्जांपल क्या, जैसे एन आई सीओ फोर में निकेल चार सीओ परमाणु द्वारा घिरा रहता है या उपसंयोजी बंध द्वारा बंधा होता है, तो इसमें क्या है, एन आई केंद्रीय धातु परमाणु है। अब क्या है लिगेंड, लिगेंड की परिभाषा भी इससे आ जाएगी, लिगेंड अपने आप लिख लोगे क्या होता है लिगेंड, ये है लिगेंड, ये क्या है लिगेंड, ये भी क्या है लिगेंड। तो क्या है फिगर देख करके परिभाषा बताओ, लिगेंड। अब क्या है लिगेंड, तो क्या है लिगेंड हम किसे कहेंगे, लिगेंड किसे कहेंगे, तो क्या क्या होगा, ये क्या बन रहा लिगेंड है, अब ये क्या बना रहा है केंद्रीय धातु के साथ क्या बना रहा है उपसंयोजी बंध बना रहा, तो वे परमाणु या समूह यानी क्या है कई हैं, तो वे परमाणु या समूह, परमाणु भी हो सकता है या समूह हो सकता है, वह परमाणु या समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ या आयन के साथ उपसंयोजी बंध बनाता है क्या कहलाता है लिगेंड कहलाता है। जैसे फिर यही एग्जांपल दे दें, जैसे इसमें क्या दे सकते हैं, जैसे एन आई सीओ फोर में सीओ जो है ये निकिल के साथ उपसंयोजी बंध बनाता है, अतः यह क्या है सीओ क्या है लिगेंड है। तो पुनः देते हैं, उपसंयोजन मंडल में उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन व उससे जुड़े लिगेंड जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होते हैं, बाहर नहीं, जितना बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है वो क्या कहता है उपसंयोजन मंडल कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, कोई हम एग्जांपल ले लें, तो क्या है यह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, तो क्या है केंद्रीय धातु परमाणु आयन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि क्या है वे धातु परमाणु या आयन उपसंयोजन यौगिक में वे परमाणु या आयन जो लिगेंडों द्वारा, जो क्या है लिगेंडों द्वारा घिरे होते हैं या लिगेंडों द्वारा उपसंयोजी बंध द्वारा बंधे रहते हैं, बंधे होते हैं क्या कहलाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाते हैं, धातु परमाणु कहलाते हैं। अब फिर क्या एग्जांपल यही लिख लो, जैसे NiCO4 में Ni क्या है CO लिगेंड द्वारा घिरा होता है, Ni केंद्रीय धातु परमाणु होता है। दूसरा क्या है लिगेंड की परिभाषा क्या आएगी, लिगेंड की परिभाषा इससे क्या है यह क्या है केंद्रीय, तो जो वे परमाणु या समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ क्या करते हैं उपसंयोजी बंध बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं लिगेंड कहलाते हैं। जैसे यही एग्जांपल एन आई सीओ फोर में जो सीओ है सीओ, ये सीओ बराबर रखना क्योंकि क्या है ये कोबाल्ट नहीं, सीओ कोबाल्ट होता तो ये ऐसे होता और कार्बोनिल को ऐसे बोलते हैं, बराबर है जितना सी उतना ओ होगा जितना, तो क्या है जैसे क्या है टेट्रा कार्बोनिल निकिल में क्या है सीओ क्या है एनआई के साथ उपसंयोजी बंध बनाता है, तो ये क्या है, ये क्या है सीओ लिगेंड है। थैंक यू।